लगा है, बाजार है ना, बाजार में जो जो सामान तुम लोग खरीदते हो यहाँ लगा है। देखो चार कमरा, एक में ऑफिस है, तीन में पढ़ाई होता है, और बच्चा सब 1 से 5 तक पेड़ के नीचे बैठते हैं सब, और बारिश आता है तो भींग जाते हैं लोग, और दूसरे के खेत में आते हैं लोग, और जानवर आ जाते हैं। विद्यालय आने में, हमारे विद्यालय में आने में रास्ता नहीं है, हम किसी के खेत से आते हैं लोग, और हमारे विद्यालय में बारिश आती है तो हमें दिक्कत है। यहाँ सबसे पहली कठिनाई है कि आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, और ये स्कूल 1925 का विद्यालय है, लेकिन अपने जिले में ऐसा स्कूल मतलब पिछड़ा कहीं नहीं। नब्बे के दशक का एक विद्यालय है, आज 2024 हो गया, लेकिन डिजिटल युग में इस विद्यालय की हालात जब आप देखेंगे तो आपको भी सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे। दरअसल के पाठक लगातार विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को देख लीजिए और इस विद्यालय को देख लीजिए, कक्षाएँ 8 है और कमरा सिर्फ 3 है। देखिए तस्वीरों में कि ये अपग्रेड उर्दू मिडिल स्कूल इंदरमा इबादुल्ला है, यानी ये 2 कमरे आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, तीसरा कमरा इस जर्जर बिल्डिंग में दिखाई दे रहा होगा, बिल्डिंग नहीं कहेंगे भवन कहेंगे। देखिए इसमें 7वीं क्लास चलता है, और बगल में एक और दिख रहा होगा आपको गेट, जिसमें जो कार्यालय बना है यानी प्रधानाध्यापक हैं और उनका कार्यालय। इधर की तस्वीर देखिए, पेड़ के नीचे जो है बच्चे बैठे हुए हैं, दूर तक आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, उधर भी जो बच्चे हैं पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए कि मिडिल स्कूल होने के बाद यहाँ पर भवन नहीं बना है। के पाठक दावा कर रहे हैं कि पढ़ाई को लेकर सुधार किया जा रहा है, लेकिन जब ऐसी व्यवस्था होगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, खासतौर पर एक निजी विद्यालय में 5वीं तक के बच्चों को बेंच दिया जाता है, जब वो पढ़ने जाते हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी होता है, और जब यहाँ प्राइमरी जो विद्यालय है उसमें जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें इस बात से शर्म आती है कि हम नीचे ज़मीन में बैठते हैं और बच्चे अगल बगल के क्या कहेंगे। इस डिजिटल युग में जब बच्चे ज़मीन पर बैठेंगे तो जाहिर है उन्हें भी पढ़ने आने का मन नहीं करेगा, उनके अंदर जिज्ञासा नहीं जगेगा। तस्वीरों में देखिए कि ये यहाँ पे 2 से 3 क्लासेस चल रहा है और मैडम जो है पढ़ा रही हैं, ये नीचे जो है जो ज़मीन के ऊपर फर्श पे बोरा बिठाकर बच्चों को बिठाया गया, हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। इधर देखिए रास्ता यही है कि पेड़ के अंदर से जो रास्ता दिखाई दे रहा है इस विद्यालय में आने का रास्ता यही है, यहाँ आने के लिए प्रॉपर रास्ता तक नहीं है। ऐसे में जो बिल्डिंग है वो आप साफ तौर पर देखिए कि यही वो बिल्डिंग है, और इसमें 4 टोटल कमरे हैं, जिसमें जो 2 कमरा जो है जर्जर है, इसमें किसी तरह से एक प्रिंसिपल का कार्यालय बनाया गया है, और 2 एक कमरा में क्लास चलता है, बाकी 2 कमरों में जो है 7वीं और 6ठी की क्लास चलाया जाता है, बाकी जो बच्चे हैं ज़मीन के पर नीचे जो है बोरा बिछा कर बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाएंगे कि यहाँ कितने शिक्षक हैं और क्या कुछ है, उसके बावजूद जो है किस तरह से सरकार के द्वारा व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से कैसे जो है दिक्कत है। देखिए कुल नामांकन जो बच्चे नामांकित बच्चे हैं 252 है, उपस्थित जो बच्चे हैं 187 है, आज 13 तारीख है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, कुल शिक्षकों की संख्या 9 है और जो 7 उपस्थित हैं, 1 अवकाश पर है और विशेषावकाश पर जो है कोई नहीं है, बिना सूचना के 1 अनुपस्थित रहती हैं, वो 2 साल से अनुपस्थित है, शायद वो विद्यालय छोड़ चुकी होंगी। लेकिन जो यहाँ पर क्या व्यवस्था है, यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे बात करेंगे कि स्कूल कब से बना था ये। नहीं सर, 25 का स्कूल है। अच्छा, क्या दिक्कत होती है, 3-4 कमरा ही देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 1 से 8 स्कूल है, तो 4 रूम में 1 तो ऑफिस है, और 3 रूम में 1 में 6, 1 में 7 और 1 में 8 क्लास चलता है, ओसारा में 2 क्लास चलता है, बाकी क्लास बाहर बैठता है। जब बारिश आती है तो बच्चों को किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है, यहाँ आने के लिए रास्ता भी नहीं है। 100 बरिस का स्कूल हो गया, ब्रिटिश के ज़माने का 1925 का स्कूल है, और आज तक इसका यह विवादित ज़मीन है, और पैसा 2 बार आया बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन विवादित होने के कारण पैसा वापस हो गया और हम लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैडम हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम पढ़ाती हैं आप, शिक्षिका हैं? जी, पहले हम यहाँ तो मेरा मायके ससुराल हुआ, और आज 36 साल हो गया मेरा सेवा करते हुए, 2024 में मेरा रिटायरमेंट है। पहले तो ऐसे स्कूल की बिल्डिंग कम होती थी, होता था, अब तो डिजिटल युग हो गया है, जी नहीं मिला है। नहीं, आज तक यही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतना सब कुछ सरकार की सुविधा हर जगह सबको मिल रही, लेकिन हमारे पंचायत में हमारा स्कूल सबसे मतलब लोएस्ट है, एकदम यहाँ किसी तरह का रास्ता तो है ही नहीं है, दूसरे के ज़मीन से दूसरे के रास्ते में वो भी लोग काट के बंद कर देता है, उसको जोत के
डिस्टर्ब कर देता है। बरसात में लोग एक दूसरे के रास्ते से हम लोग आते हैं, पर कपड़ा उठा उठा के लेडीज सब आती हैं, सब इतना कठिनाई होती है। बच्चे सब पेड़ के नीचे बैठते हैं, बरसात के दिनों में एक ही दो कमरे में जाके छुपते हैं किसी तरह। तो देखिए साफ तौर पर किस तरह से जो है परेशानियां हैं उन बच्चों को। देखिए ब्रिटिश के ज़माने का जो है भवन है और ये काफ़ी जर्जर है, पुराना है, और इसमें किसी तरह से ऑफिस और एक जो है क्लासेस बनाया गया है। बात करेंगे जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ये लोग जो है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा। कौन सी क्लास में हो? पांचवा। पांचवा में हो। अच्छा, कहाँ बैठती हो तुम लोग? यहीं पर बैठ के पढ़ती हो? तो बारिश आती हो तो क्या करती हो? बोलो बोलो बोलो। वहाँ पर पढ़ते हैं, अंदर जाकर बरामदे में। और जो बच्चे हैं बात करें, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तुम अपना नाम बताओ। गुड़िया नाम है। कौन सी क्लास में हो? फाइव। फाइव में हो। अच्छा, तो यहाँ बोरे पे बाहर बैठे तुम लोग? जी सर। क्लास में बिल्डिंग में जगह नहीं है? बताओ। जगह है तो यहाँ फिर बैठी हो तुम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? संध्या। अच्छा, कमरा नहीं है तुम लोग बैठने का? नहीं। तो यही पढ़ाई होता है? हाँ। बारिश आता है तो? और वो बरामदा में जाते हैं। बरामदे में छुट्टी है लोग? हाँ। चलो, तो देखिए बच्चे भी जो हैं वो बता रहे हैं, और जो बच्चे हैं वहाँ बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कि उनका क्या कहना है कि वो लोग कहाँ पढ़ते हैं, किस तरह से जो है पढ़ाई होता है। क्या नाम है तुम्हारा जी? सगुफी नाज। अरे वहाँ कौन सी क्लास में हो? थ्री में। अच्छा, तुम लोग को अंदर बिल्डिंग में नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं। क्यों? इसी तरह यही पढ़ते तुम लोग? हाँ। बारिश आता है तो कहाँ जाते हैं? अब ओशारा में। वहीं छुप जाते हैं? हाँ। दिक्कत होता है पढ़ने में? नहीं। यहाँ जो है धूप लगता होगा, बारिश होता होगा तो उसी में चल जाते हैं लोग। रास्ता है आने का यहाँ? हाँ। कैसा रास्ता है? रोड है। चलो ठीक है। जो यहाँ शिक्षिका हैं वो पढ़ा रही हैं, देखिए एक शिक्षिका हैं बच्चों को पढ़ा रही हैं, कुछ सिखा रही हैं, बात करेंगे। अच्छा मैडम, यहाँ बाहर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कमरा नहीं है क्या? कमरा होता तो हम लोग बाहर क्यों पढ़ाते हैं? बात ये है कि यहाँ जमीन ही नहीं है, सरकारीकरण इसका नहीं हुआ है, दो ही कमरा बना के स्कूल चालू कर दिया गया था, दो कमरा और बनाया जिसमें एक में ऑफिस है और तीन में हम लोग क्लास चलाते हैं, और एक से आठ तक स्कूल है। एक से आठ तक में हम लोग सिर्फ तीन क्लास को वहाँ बैठाते हैं, बाकी सभी बच्चों को हम लोग पेड़ के नीचे बैठा करके ही पढ़ाते हैं। तो बारिश आता है तो बहुत दिक्कत होती है, जब सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हम लोगों को खड़ा होने की जगह नहीं मिलती है, और इतना शोर होता है कि लगता है कि दिमाग हम लोगों का पागल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। जिस तरह से स्कूल है उसके हिसाब से बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, और ये बच्चे इंदरवा इबादुल्ला, और इस स्कूल का नाम है UMS इंदरवा इबादुल्ला है, मिडिल स्कूल है। हाँ, तो साफ तौर पर आपने देखा कि बच्चों को भी सुना कि किस तरह बच्चे जो हैं वो अलग परेशान हैं, क्योंकि कमरा नहीं है, उन्हें पेड़ के नीचे आज के युग में अगर पढ़ाया जाता है तो ये बड़ी शर्म की बात है। के पाठक जी सुन लीजिए, ये आपका एक विद्यालय है और इस विद्यालय में इतनी बेहतरीन पढ़ाई होती है कि अगर आप आकर जांच करें तो आपको भी इस बात की खुशी होगी, लेकिन इस विद्यालय में भवन नहीं होने के कारण आठ क्लासेज हैं जिसमें तीन क्लासेज भवन के अंदर चलते हैं, बाकी क्लासेज पेड़ के नीचे चलाए जाते हैं। ये लगभग 100 साल पुराना विद्यालय है, बावजूद इसकी स्थिति ऐसी है यहाँ आने तक का रास्ता नहीं है। इस तरह से बच्चों को भी और यहाँ जो आ रहे हैं शिक्षक उनको भी खासा परेशानी हो रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।